आप देख रहे हैं LT News 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। 10 मुहर्रम यौमे अशुरा के इंतजाम के लिए आज होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में रिव्यू मीटिंग की गई। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, AK खान एडवाइजर टू गवर्नमेंट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, मोहम्मद इम्तियाज इसाक चेयरमैन TSMFC, अहमद पाशा खादरी MLA याखुदपुरा, मुमताज अहमद खान MLA चार मीनार, अमीनुल हसन जाफरी MLC, मिर्जा रियाजुल हसन FND MLC, सोहेल खादरी कॉरपोरेटर पत्थरगड्डी, सैयद निसार हुसैन प्रेसिडेंट शिया उलेमाओ जाकिरीन, लोकेश कुमार GHMC कमिश्नर, शाहनवाज कासिम IPS डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर, मोहम्मद कासिम साहब DMWO, चौहान साहब एडिशनल कमिश्नर ने इंतजाम का लिया जायजा। देखे ये रिपोर्ट। इंतजाम के सिलसिले में हमारे माइनॉरिटी मिस्टर कपूला ईश्वर साहब की सदारत में मीटिंग हुई और तफसील से तमाम जितने दरगाहों के मुतवली हजरात थे उनके क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे वक्फ चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम पेश किए और मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाया गया। ख़ासतौर से इसमें GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है क्योंकि GHMC की तरफ से बहुत साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाता है और पुलिस की जारी से बंदोबस्त का इंतजाम किया जाता है। पिछले साल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं अगर मुहर्रम का अहतमाम किया गया तो हमारे तेलंगाना में किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था और जो भी जायरीन वहाँ पर आते हैं, जो लोग मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उनके साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और वक्फ चेयरमैन साहब की सदारत में जितने आशुर खान हैं उनको कुछ ना कुछ जो मदद की जाती है ज़रूर इस मरतबा भी की जाएगी। कुछ लोगों ने उसमें इजाफा की बात की है, वो गौर करने के बाद जहाँ तक हो सके जाओ जो भी आशुर खान हैं जो बारिश की वजह से या खदीम होने की वजह से और डैमेज हो सके जो हो सकता बजट से वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन साहब की तरफ से ज़रूर उसे तामीर की जाए। सर ये आपको पता है पिछली बार क्या हुआ था, हमारे भी अफसर बताए थे तो वो आप जरा पुलिस का ताउन देकर पूरा चीज क्लियर करने के लिए आपके दुकानों में बहुत ज्यादा ऑर्डर हो रहा जाहिरीन को और जो है मातमदार गुरुओं को बहुत तकलीफ होती वहाँ पे, उसको भी अगर आप डिमोलिश करें तो मेहरबानी होगी। रोड वाइंडिंग में रुके हैं वर्षों से रुके हुए हमारे रोड सिटी में जो जंक्शन है 20 साल से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और इम्पोर्टेंट जो होता है हमेशा वहाँ ट्रैफिक जाम हो रही और जब बी का आलम आता तो वहाँ काफी देर रुकता, सारे जायरीन वहाँ पे सराउंडिंग में पूरे जो भी जियारत करते हैं।